जय बाबा केदार की। दोस्तों आपको पता ही है कि बाबा केदार के कपाट खुलने की ऑफिशियली जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, वो है 10 मई को। 10 मई को सुबह 7 बजे कपाट खोल दिए जाएंगे। आप में से कोई भी शिव भक्त जाना चाहे तो इस बार आपको ये यात्रा जरूर करनी चाहिए। का ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी इसी वेबसाइट से शुरू हो जाएगा और ऑफलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके लिए आपको हरिद्वार और ऋषिकेश खुद को जाना पड़ेगा। यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू होती है। आप चाहे फ्लाइट से आओ, चाहे ट्रेन से आओ, चाहे बस से आओ, चाहे खुद के व्हीकल से आओ। वैसे हमने ये यात्रा खुद के व्हीकल से की थी, अपने वेन्यू से की थी। खुद की गाड़ी ले जाने में फ़ायदा ये है कि जिस प्रकार के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे ना, जैसे आप हरिद्वार से निकलोगे, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ शिव जी की, इतना बड़ा शिवलिंग मिलेगा आपको देखने को। आप अगर बस में जाते हो तो ये सब चीज़ें आप मिस कर सकते हो, क्योंकि हर जगह बस वाला रोकता नहीं है। शानदार शानदार रोड है सब जगह, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। टोटल ये मान के चलो, अगर 500 किलोमीटर का रास्ता है तो मुश्किल से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की सड़क आपको कहीं ऐसी जगह ख़राब मिल सकती है जहाँ रोड बन रही है, जहाँ पर रोड का काम चल रहा है। अपने गाड़ी से हम गए थे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो फ़ायदा ये है कि रास्ते में कहीं भी रोको आप, बीच में इतनी शानदार शानदार पुल आएंगे, इतना बड़ा बड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। और यात्रा का असली आनंद भी खुद की व्हीकल से ही है, ये मेरी पर्सनल राय है। आप हरिद्वार से कार किराए पे ले सकते हो, शेयर टैक्सी में जा सकते हो, बस से भी सफ़र कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आप 3 घंटे की यात्रा करोगे ना हरिद्वार के बाद, तो आपको ये देखने को मिलेगा देवप्रयाग। आप अगर बस पे होगे तो ये सब आपको चीज़ें ऊपर से देखने को मिलेगी। खुद की गाड़ी से या टैक्सी से हो या पर्सनल शेयर टैक्सी से हो तो आप ये नीचे जाके भी माँ गंगा को बनते हुए वहाँ देख पाओगे। यहाँ एक तरफ से अलकनंदा आ रही है और एक तरफ से भागीरथी आ रही है। साथ में पता है क्या, आप देवप्रयाग में 2 मंदिर और भी है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसमें एक तो है रघुनाथ मंदिर, दूसरा है शिव मंदिर जो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, उसके आप आराम से दर्शन कर सकते हो। नीचे जाओ, गंगा मैया के में स्नान करो, चाहे छींटे दो, उसका एक अलग ही आनंद है। वहाँ से फिर आप रवाना होगे और धीरे धीरे आगे यात्रा बढ़ेगी आपकी। कुछ देर की यात्रा के बाद आएगा माँ धारी देवी का मंदिर, जो बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। यहाँ जाके आप माँ धारी देवी के भी दर्शन कर सकते हो। माँ धारी देवी यहाँ पे 3 रूप में मिलती है, सुबह बिल्कुल बालिका के रूप में और दोपहर में वयस्क के रूप में और शाम को वृद्ध के रूप में। बहुत चमत्कारी मंदिर है, आप इस मंदिर के दर्शन करो, यहाँ के बारे में जानो आराम से। आप घर से कोई दिक्कत में हो या नाती पोता भाई बंद माँ बाप कोई दिक्कत में कुछ भी परिवार का हो, आप मुक्ति पा जाओगे। 90 दिन के अंदर आपका सब काम सफल। इसके माता के बारे में ये भी कहा जाता है कि सुबह ये कन्या के हाँ तीन रूप होते हैं, कन्या युवा अभी युवा रूप चल रहा है और शाम को ये 8 बजे बाद मृत रूप हो जाए। हाँ 100 साल के। उसके बाद आप आगे की यात्रा शुरू करो। कुछ टाइम के बाद अगर आप सुबह हरिद्वार से रवाना हुए हो ऋषिकेश से रवाना हुए हो तो शाम तक पहुंच जाओगे गुप्त काशी। गुप्त काशी में वो मंदिर है जहां से पहले के ज़माने में पद यात्रा शुरू होती थी बाबा केदार के लिए। वहां पे अर्धनारेश्वर का मंदिर है, वहां के दर्शन करो। अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का तर्पण कर सकते हो आप यहाँ पर। एकमात्र ही ऐसा मंदिर है अपने देश में जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियाँ एक साथ बहती है, और ये कुंड में आपको दोनों मिल जाएंगी। एक तरफ गंगा है माँ और दूसरी है माँ यमुना। वहाँ आप आराम से बैठ के कुछ समय अपने पूजा अर्चना करो और उसके बाद की यात्रा प्रारंभ करो। आप नाइट स्टे भी गुप्त काशी में कर सकते हो। सब जगह सारी सुविधाएं हैं, सब जगह होटल मिल जाते हैं, रहने की सुविधा मिल जाती है, खाने पीने की सारी सुविधा रास्ते में मिलेगी आपको। मंदिर के बाहर ही आपको बहुत सारे पंडित लोग मिल जाएंगे। कोई भी लूट खसोट नहीं है, आपकी जो इच्छा हो श्रद्धा अनुसार वो उनको दे दो। फूलों की माला की जो भी वहाँ चढ़ता है सबकी टोकरी भी बाहर मिल जाएगी, जल भी मिल जाएगा, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। आराम से दिल लगा के, मन बना के बिल्कुल आराम से प्रार्थना करो। वहाँ रात्रि विश्राम करने के बाद अर्ली मॉर्निंग सुबह आप रवाना हो जाओ सोनप्रयाग के लिए।
सोनप्रयाग से सीता गुप्त काशी से और सोनप्रयाग का जो रास्ता है वो कुछ इस प्रकार का है। हालांकि वहां जाम नहीं लगते हैं, क्यों हर जगह पुलिस और प्रशासन हमेशा एक्टिव रहता है ताकि जाम वाली स्थिति ना आए। कम जगह ऐसी है जहां पे सड़कें आपको टूटी हुई मिलेगी, उसमें से ये पॉइंट सबसे बड़ा है बस, क्योंकि पूरा लैंडस्लाइड जोन है, बरसातों में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा ही आती है। और मुश्किल से आप 2 घंटे 1.5 घंटे का सफ़र करके पहुँच जाओगे सोनप्रयाग में। खुद की गाड़ी लेके जाते हो तो ये पूरा स्टैंड है, बहुत बड़ा स्टैंड है। रात्रि यहाँ विश्राम करने के बाद आप यहाँ से पदयात्रा शुरू हो जाएगी आपकी, और सबसे पहले आपको पूरी भीड़ के साथ चलते हुए अपना जो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वो फॉर्म साथ रखना है। और फिर आपको जाना है गौरीकुंड से पहले एक जगह है जहाँ पे आपको जीप जो है जिसको वहाँ पे वो बोलते हैं शटल, ये शटल लेके जाएंगे आपको 50 रुपये में। 5-6 किलोमीटर का सफ़र है, पहाड़ी पूरा सफ़र है, कुछ लोग पैदल भी जाते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग इसी शटल से जाते हैं। ये 50 रुपये लेते हैं, ये आपको छोड़ देंगे गौरीकुंड। आप चाहो तो गौरीकुंड में स्नान कर सकते हो या फिर आप सिर्फ पवित्र जल के छींटे लेके आगे रवाना हो सकते हो। ये गौरीकुंड वही जगह है जहाँ माँ पार्वती ने बैठ के और भगवान शिव को पाने के लिए पूजा की थी, मतलब आराधना की थी। यहाँ का जो जल है ना वो शुक्ल पक्ष में तो पीले कलर का हो जाता है और कृष्ण पक्ष में हरे कलर का हो जाता है, प्राकृतिक रूप से ऐसा कहा जाता है। फिर आपके सामने आता है मैन गेट, जो यात्रा शुरू होती है उसका मैन गेट है। वहीं आपको सारे पालकी वाले, डोली वाले, घोड़े खच्चर वाले सब मिल जाएंगे। वहाँ से आप उनके पास जो सरकारी रेट होती है उससे तय करके आप अपने आगे रास्ते पर बढ़ सकते हो। कुछ देर के बाद आपको मिलेगी जंगल चट्टी, वहाँ पे भीमबली का मंदिर भी है, उसको देखना मत भूलना। हर हर महादेव, ये भीमबली की है फोटो। वो जो लोग कहते हैं ना कि शूज नए लाने चाहिए, इसी रास्तों के लिए है वो, क्योंकि रास्ते बहुत स्लिपरी है ये, इसलिए यहाँ पे वाकई में शूज अच्छे होने चाहिए आपके पास। आप कुछ समय के बाद चलते चलते मनोरम दृश्य का आनंद लेते लेते पहुंच जाओगे। ये वो जगह है जहाँ पे झरना होता है। सबसे बढ़िया जो टाइम है बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जाने के लिए, वो सबसे बढ़िया जो महीने होते हैं वो मई जून और सितंबर अक्टूबर होते हैं। इस समय क्या है कि बरसाती सीजन नहीं होता है, बरसात के टाइम में थोड़ा सा रास्ता जो है ना ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। उसके बाद जो बिल्कुल जो मिडिल पॉइंट आता है वो आता है रामबाड़ा। ये वही रामबाड़ा है जो आपदा में सारा ख़त्म हो गया था। ये जो सामने देख रहे हो ये पुराना पुल है और ये नया पुल है। देखो कहाँ से रामबाड़ा ख़त्म होने लगा था, बीच में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं ना, वहाँ तक ऊपर तक पानी आ गया था। वो वहाँ से लेके और पूरा तहस नहस हो गया था। ये एक प्राकृतिक आपदा थी। यहाँ से फिर पूरी खड़ी चढ़ाई की यात्रा शुरू होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इजी नहीं है लेकिन मन में बना लो, जाना जरूर है और एक बारी जिंदगी में पैदल यात्रा जरूर करनी है। उसके बाद आपके सामने फिर से एक बहुत सुंदर सुंदर मनोरम दृश्य आते हैं। को देखो यार, बाबा आपकी उम्र क्या है? 75-76 76 साल है। कितने घंटे में पहुँचे हो? कितने घंटे में पहुँचे? 6 घंटे 6 घंटे में? सुबह चले होंगे 6 बजे? नहीं 6 बजे नहीं, तो 11 बजे वहाँ से नहा जो गौरीकुंड से तब चले। अच्छा 11 बजे गौरीकुंड से चले। 70 साल के बुजुर्ग लोग भी पैदल आते हैं और 3-3, 4-4 महीने के बच्चों को भी लेके कुछ कपल्स आते हैं, तो इसलिए यात्रा टफ जरूर है लेकिन करनी जरूर चाहिए। वंस इन ए लाइफ तो पैदल केदारनाथ होना ही चाहिए। जैसे आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ये आपको बहुत बड़ा बर्फ का ग्लेशियर मिलेगा जो ऊपर से नीचे तक लगातार बहते हुए पानी पे बना हुआ है, लेकिन बीच में प्रशासन ने ये रास्ता बनाया है काट के ताकि यात्रियों को आने जाने में दिक्कत ना हो। ये ग्लेशियर नीचे तक है,
और धीरे धीरे बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आराम से बढ़ते रहो आगे। बस ये नगरी में पहुंच चुके हैं, बस यही बाबा केदार की नगरी है। बहुत 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 बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत पवित्र जगह है। यहाँ की शक्ति को आप पहचान पाओगे जब आप खुद वहाँ जाओगे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, सामने ग्लेशियर है। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये भैरव बाबा का मंदिर है। अगर कोई यात्री पैदल नहीं आना चाहता है तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी लगातार है वहाँ पे। ऑफिशियली हेलीकॉप्टर कब से बुक होंगे ये अभी तक नहीं बताया गया है। ये हेलीपैड है और ये हमारा कॉटेज है। ये देख लो जी आप, आज है 17 जून और शाम के दर्शन का टोकन है। सिर्फ आधार कार्ड देखा है और फटाफट लाइन को निकाले जा रहे हैं बहुत स्पीड से। अब करते हैं आगे मंदिर का दर्शन। पर्ची पड़े अपने हाथ में रखो, ये टोकन। जितने पर्सन है उतने टोकन लगेंगे। अब आपका अलग है, मेरा अलग है। अंदर वीडियो अलाउ नहीं था, लेकिन आपको बता देता हूँ चांदी के तो गेट थे और अंदर का जो गर्भगृह था ना, ये मंदिर जो देख रहे हो बिल्कुल ये वाला मंदिर यहाँ पे, इसके अंदर जो था वो केदार बाबा बैठे थे। बिल्कुल सोने का, सूर्य पूरे सोने की बनाई हुई थी अंदर, सारा गोल्डन कलर में शानदार चमक रहा था। ऊपर से लाइट बहुत तेज थी उसके ऊपर। जो मुख्य महंत थे, जो मुख्य पुजारी थे, उन्होंने हमें बताया कि जो श्रृंगार हुआ हुआ है वही केदार बाबा है। दोस्तों जो आपदाएं थी ना वो यही थी, यहीं से वो पानी का बहाव आया था, पानी का सैलाब आया था। और अब मंदिर की कमेटी ने ये नया कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया, बहुत चौड़ी दीवार बना दी है ताकि भविष्य में कभी ऐसा हो तो वो पानी का बहाव इस मंदिर को कभी नुकसान ना पहुंचा सके। ये जो शिला देख रहे हो ना सामने वाली, ये वो शिला है जिसने इस मंदिर को आपदा के समय बचाया था और जल का जो प्रवाह था उसको दो भागों में बांट दिया था। मैं तो कभी ऐसे वीडियो में देखा करती थी तो ऐसा लगता था ये सपना कभी पूरा होगा क्या, पर केदार बाबा ने ऐसे बुला लिया तो इतने ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे और इतनी कठिन यात्रा करके आए थे पर अब बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है, सारा दर्द गायब है। आपने वीडियो में देखा ही होगा कितना टिपिकल रास्ता है, लेकिन सारे दर्द गायब है और धन्य हो गए। बाय गॉड मैं कहूँ आनंद आ गया आज भगवान के दर्शन करके, बाबा केदार के।